याचिका पर पंजाब हरियाणा कोर्ट में सुनवाई। अवमानना याचिका दायर करने के आदेश कल वेरका की ओर से दर्ज की जाएगी याचिका। हरियाणा कांग्रेस में घमासान, एक बार फिर भिड़े हुड्डा और तंवर गुट। युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान दिखी गुटबाजी, हुड्डा गुट ने डीआरओ को पीटा, दोबारा चुनाव की मांग। और पठानकोट में दिखे फिर हथियारबंद संदिग्ध, पंजाब हिमाचल बॉर्डर पर दिखे संदिग्धों की तलाश जारी। पंजाब और हिमाचल पुलिस कर रही है संयुक्त सर्च ऑपरेशन। स्वागत आप सभी का प्राइम टाइम का। शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। 1000 के नोट के बाद अब 500 के पुराने नोट भी अब दिखने बंद हो जाएंगे। नोटबंदी के बाद से पेट्रोल पंपों पर चल रहे 500 के पुराने नोट आज रात 12 बजे के बाद बंद होने जा रहे हैं और नोटबंदी पर लोगों की परेशानी और बढ़ जाएगी। जिस तरह से पेट्रोल पंप पर एक विकल्प के तौर पर पुराने नोटों का इस्तेमाल हो सकता था, वो भी आज खत्म हो जाएगा। और जानते हैं कि लोगों से कैसी रहेगी परेशानी और क्या है पेट्रोल पंपों का मौजूदा। नोटबंदी के बाद में 500,000 के नोट आम तौर पर चलने बंद हो चुके हैं, जिसमें कि 500,000 पेट्रोल पंप पर चलते थे, लेकिन 1000 रुपए का नोट जब बंद हुआ है तो अब 500 का नोट आज का दिन के लिए ही चलेगा। अब देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ लगातार बढ़ी हुई है, क्योंकि नोटबंदी के बाद में जिस तरह से लोगों को परेशानियां आई, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता था कि बैंकों में भी जो नोट लोगों को नहीं मिल पा रहे थे, उसमें देखते हुए नोटबंदी के चलते आज आखिरी दिन है कि 500 का नोट चल पाएगा। ऐसे में देख सकते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा आज 500 के नोट है वो पंपों वगैरह पर चलवाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल डलवाना हो तो उसके लिए ये रोजमर्रा की जिंदगी की एक बहुत बड़ी जरूरत है, जिसमें कि लोगों को अब देखना होगा कि बैंकों में बेशक नोट जमा करवाए जा सकेंगे, लेकिन इसमें अभी भी जो आप नोट है उसको लेकर लोगों में कितनी परेशानी आएगी ये देखना होगा। मैम, 500 के नोट में आज से बंद हो जाएगा पेट्रोल पंप पे, समझते हैं कि परेशानी होगी क्योंकि बैंकों में भी नहीं जमा हो रहे अभी। यस सर, ऑफ कोर्स ये तो है कि परेशानी होगी, बिकॉज लोगों के पास पुरानी करेंसी है, जहाँ तक है परेशानी तो होगी। हमें भी खुले पैसों का होता था, हमें नहीं पता था कि आज से बंद हो रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम पता लगा तो अब मेरे पास ही 500 का ही है। और जैसे कि वो बैंक में भी जमा नहीं हो पाएंगे आज से, जैसे कि बैंकों में हो पाएंगे, लेकिन अभी जो भीड़ इतनी ज्यादा है उसमें परेशानी आ रही है। यस सर, ये तो है कि हाँ बिल्कुल। आप किस तरह से देखती हैं कि आम जिंदगी में, जैसे कि आज से नोट आमतौर पर तो लोग ले ही नहीं रहे हैं, लेकिन पंपों पे भी आज बंद हो जाएंगे? पंपों पे बंद हो जाएंगे तो और भी ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि देखिए अभी बैंकों में भी कैश नहीं आया है, एटीएम में भी कैश नहीं है, तो इंसान आप खुद देख लीजिए कैसी हो जाएगी फिर। बिल्कुल ट्राई तो जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसे ये है कि जो आमतौर पर जैसे कि इस तारीख आगे बढ़ने को लेकर बेशक लोगों में पहले था कि कुछ समय तक चला पाएंगे, लेकिन जिस तरह से अभी जो 500 का नोट आज दिन का ही रह गया है तो उसमें काफी बड़ी लगेंगे। 500 का नोट आज बंद हो जाएगा पेट्रोल पंप पे चलने, लगता है कि परेशानी बढ़ेगी? नहीं सर, वैसे तो परेशानी बढ़ी रही है आम लोगों की, है ना, अब क्या करा जाए। वैसे जो बैंकों में भी अभी मिलने शुरू नहीं हुए हैं, पूरा पैसा उतना मिल नहीं रहा प्राप्त पैसा। नहीं सर, वैसे तो दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं 2-3 हजार रुपए तो दे रहे हैं, बाकी जो हो रहा है गुजारा कर ही रहे गरीब लोग। पेट्रोल पंप पे है कि क्योंकि लोग आमतौर पर देखते हैं कि ज्यादा कहीं नहीं चलेगा तो 500-1000 का नोट को पेट्रोल पंप पे चला देंगे, लेकिन देखना है यही होगा कि अब जिस तरह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है उसमें समाधान क्या है, क्योंकि आज के बाद जैसे 500 का नोट बंद नहीं होगा तो इस नोटबंदी में हम कह सकते हैं कि ये आज का आखिरी नोट होगा कि जिसके बाद अब नई करेंसी ही चलेगी या फिर छोटे नोट। लोगों की मुश्किलें कब तक बढ़ी रहेंगी, कब तक बने रहेंगी, वो सबके सामने है, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद परेशानी ज्यादा बढ़ी है, फायदे कब मिलेंगे अभी मालूम नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट गुरमेर राणा के साथ सुमित जोशी, लिविंग इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। तो आज 500 के नोट का चलन बंद हो रहा है, तो वहीं रात 12 बजे से सभी टोल प्लाजा पर टोल लगना शुरू हो जाएगा और हो सकता है कि एक बार फिर से टोल प्लाजा पर लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो जाए। और ऐसे में टोल प्लाजा अधिकारियों ने परेशानी से बचने के लिए कैशलेस तरीके से टोल लेने की तैयारी शुरू कर दी है। बात अगर पानीपत की करें तो यहां पर टोल अधिकारियों ने पेटीएम डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए टोल लेने की तैयारी कर ली है। आज रात के 12 बजते ही देश भर में सभी टोल प्लाजा पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद लोगों को हुई परेशानियों को देखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर पड़ने वाले टोल प्लाजा को टैक्स फ्री कर दिया था, लेकिन आज रात 12 बजते ही देश भर में सभी टोल प्लाजा पर टैक्स लेना शुरू हो जाएगा। लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए टोल कर्मियों ने अब पहले ही तैयारी कर ली है। कंपनियों ने टोल वसूलने के लिए पेटीएम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का सहारा लिया है।
पानीपत में भी टोल प्लाजा पर स्वाइप मशीनें रख दी गई हैं, जिनका टेस्ट भी टोल कर्मचारियों द्वारा कर लिया गया है। टोल मैनेजर का कहना है कि जाम से निजात पाने के लिए उन्होंने मैन पावर बढ़ाई है और पुलिस फोर्स का भी सहारा लिया जाएगा। 2 तारीख रात 12 बजे से टोल फीस टोल प्लाजा पे लेनी स्टार्ट हो जाएगी नेशनल हाईवे के ऊपर। तो इसके लिए हमने पूरी तैयारी करी है एज पर NHI और गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के अनुसार। जो यहाँ कैशलेस पेमेंट्स है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। हमारे यहाँ जितनी भी लेन्स हैं दोनों तरफ 10-10 लेन, टोटल 20 लेन्स हैं हमारे यहाँ, वहाँ हर लेन में पेटीएम के थ्रू और आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। वहीं इस बारे में वाहन चालकों का कहना है कि अभी परेशानी है और कुछ दिन और टोल को फ्री किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी ज्यादातर लोगों के पास न तो खुली करेंसी है और न ही डिजिटल कार्ड। अभी चेंज है नहीं, क्या करेंगे, इतनी जल्दी बैंक से पैसे मिल नहीं रहे, लंबी लंबी लाइन है, लाइन में लगते हैं तो गेट पे जाके मना कर देते हैं कि पैसे खत्म हो गए। अब बताइए कैश कहाँ से लाएंगे, इनको 2000 का देंगे ये चेंज हमें कैसे देंगे, ये नहीं समझ में आ रहा है। कि देखो जाम लग जाएगा जब इनके पास छुट्टे नहीं होंगे, तो या तो ये चेंज अरेंज करेंगे, नहीं तो डिजिटल तो कितने बंदे यूज कर रहे हैं, सबके पास तो नहीं है। परेशानी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, कल से देखना जाम लग जाएगा बहुत दूर दूर तक। दोबारा से टोल शुरू होगा तो दिक्कत तो लोगों को आएगी, क्योंकि 500 का नोट अभी तक मार्केट में आया नहीं है, 2000 रुपये का नोट मार्केट में, 2000 का नोट, 200 रुपये का टोल है, 100 रुपये का टोल है, तो खुले कहाँ से देगा, कितने के पास खुले होंगे इनके पास, समस्या तो बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी, उससे जाम लगेगा। लोग अपनी परेशानियां गिना रहे हैं तो वहीं टोल प्लाजा अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी तैयारी कर ली है। फिलहाल देखना होगा कि टोल टैक्स आसानी से वसूला जा सकेगा या एक बार फिर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लिविंग डे न्यूज के लिए पानीपत से प्रदीप कुमार। तो नोटबंदी के बाद देश में कैशलेस सिस्टम की बात की जा रही है, लोगों को इस सिस्टम को अपनाने में हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, लेकिन बात करें अम्बाला की ट्रैफिक पुलिस की तो यहां पर कैशलेस सिस्टम शुरू हो चुका है और ट्रैफिक पुलिस ई चालान मशीन से काट रही है और लोग डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान भी कर रहे हैं। नोटबंदी के बाद देश भर में अब तक कैश को लेकर लगातार कई तरह की समस्याएं जनता के सामने आ रही हैं। ऐसे में सरकार भी निरंतर देशवासियों को पेपर मनी की जगह ई मनी या फिर डेबिट व क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करने की सलाह दे रही है। बात करें हरियाणा के अम्बाला की तो यहाँ पर जनता बेशक अभी कैशलेस सिस्टम में पीछे हो, लेकिन अम्बाला की पुलिस को सरकार का यह फॉर्म अब पूरी तरह रास आ। अम्बाला की ट्रैफिक पुलिस ने डिजिटल होने की ओर कदम बढ़ाए हैं। अब पुलिस अम्बाला में साथ ई चालान मशीन कार्ड स्वाइप मशीन लेकर नाके लगा रही है ताकि ट्रैफिक नियम उल्लंघन करने वालों का ई चालान किया जा सके और ATM कार्ड से मौके पर ही उसे भुगता जा सके। तो बहुत फायदेमंद हुई हमारे लिए, तो नोटबंदी के कारण बहुत इसमें बढ़िया चालान हो रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं है, किसी पे कैश नहीं है तो स्वैप करके अपना जुर्माना ले सकती है। जैसे जुर्माना भरना है तो इसमें स्वैप मशीन है, ऑन द स्पॉट अपना कार्ड लो, कार्ड उसके ATM से पैसे कट जाते हैं। नोटबंदी के बाद अम्बाला पुलिस की इस पहल से अब लोग मौके पर ही ATM कार्ड से अपना चालान भुगत रहे हैं। इससे न केवल पुलिस बल्कि लोगों का भी समय बच रहा है, साथ ही नोटबंदी के बाद जो कैश की समस्या पैदा हो गई थी उसका भी ट्रैफिक पुलिस ने हल निकाल लिया है। निश्चित ही कैशलेस इकोनॉमी की तरफ यह एक सराहनीय कदम है और इससे भ्रष्टाचार में भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी। लिविंग इंडिया न्यूज के लिए अम्बाला से धर्मवीर पासी की रिपोर्ट। नोटबंदी के बाद कैशलेस सिस्टम की और बेशक कदम बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी आज भी परेशान है। आज महीने का दूसरा दिन है लेकिन लोगों के लिए समस्या वैसी की वैसी ही है। आज दूसरे दिन भी लोग बैंक और ATM की कतारों में लगे नजर आए। लोग अपनी सैलरी का पूरा पैसा बैंक से नहीं निकाल पा रहे हैं, जबकि RBI का दावा है कि हफ्ते में उपभोक्ताओं को 24,000 रुपए मिल सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। महीने के दूसरे दिन भी लोग अपनी सैलरी निकलवाने के लिए बैंकों की लंबी लंबी लाइनों में खड़े दिखाई दिए। लोगों के अकाउंट में तो सैलरी आने के कारण पैसा आ गया है, लेकिन वॉलेट अब भी खाली है।
आरबीआई और बैंकों की ओर से किए गए तैयारी के दावे जमीन पर उतरते नहीं दिखे। देश के ज्यादातर बड़े शहरों में लोग कतारों में लगे रहे। लोगों का कहना था कि मोदी सरकार का फैसला तो सही है, लेकिन कैश नहीं होने की वजह से उन्हें कम पैसे दिए जा रहे हैं और कई बार तो उन्हें पूरा दिन लाइन में लगे रहने के बाद खाली हाथ भी लौटना पड़ रहा है। सैलरी जो मोदी ने ठीक किया, बैंक इंतजाम सही नहीं है। सही नहीं है जी। तो कितना टाइम हो गया आपको खड़े हुए? घंटा डेढ़ घंटा हो गया जी। ये भी आ गल हूँ, सारी दुनिया खड़ी है जी, उरे दुखी हो जी। सवेर से खड़े हैं जी। हम तो ठीक है एक्चुअली, फिर कैश लेने वाले बहुत ज्यादा है, इस करके लाइन च फिर लगने पैना, दिक्कत थोड़ी आनी। आरबीआई ने एक सप्ताह में 24,000 रुपए कैश निकालने की सीमा तय की है, लेकिन बैंक इतना भी नहीं दे पा रहे हैं। कई बैंकों में कैश की किल्लत बताकर खाता धारकों को कहीं 4,000 रुपए दिए गए तो कहीं 10,000 रुपए। पटियाला में स्टेट बैंक के असिस्टेंट मैनेजर ने कहा कि लोग पैसे कम जमा कराने के लिए आ रहे हैं और निकलवाने के लिए ज्यादा, इसलिए थोड़ी समस्या आ रही है। ऐसा है कि जो हमारे पास कैश आ रहा है उसके मुताबिक ही हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक्चुअली क्या, अभी जो जनरल पब्लिक है उनमें कॉन्फिडेंस नहीं बना है, वो बैंक में अभी कैश जमा कराने से अभी कतरा रही है। जी जी। बैंक का काम ये है कि एक किसी एक से कैश ले लो और दूसरे को कैश दे दो, लेकिन आज की डेट में जो पीछे से मनी की सप्लाई आ रही है उसके अकॉर्डिंगली ही पेमेंट दी जा रही है। देश में लगभग 1,75,00,000 केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी अकाउंट में आती है, वहीं 52,00,000 पेंशनर्स को भी पेंशन के लिए बैंक और एटीएम पर निर्भर होना पड़ता है। राज्य सरकारों के कर्मचारियों की भी सैलरी उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। इसके अलावा 1,14,00,000 संगठित निजी क्षेत्र के एम्प्लॉयज को कैश में सैलरी नहीं मिलती। इतनी बड़ी संख्या में लोग अपनी सैलरी निकालने बैंक या एटीएम जाएंगे तो बैंकों पर भार पड़ना स्वाभाविक ही है। पटियाला से अविनाश कंबोज की रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो वही नोटबंदी के इस दौर में फरीदाबाद में एक महिला के सराहनीय कदम ने बैंक कर्मी और आम जनता के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। जिस वक्त लोग बैंकों से खुले पैसे लेने में लंबी लाइनों में लगे हैं और ऐसे में इस महिला ने बैंक कर्मियों की परेशानी को समझते हुए अपने खुले पैसे बैंक में जमा करवाने का फैसला लिया और नोटबंदी के बाद ऐसा कदम उठाने वाली ये पहली महिला है। नोटबंदी के इस दौर में हर कोई परेशान है, चाहे वो बैंक कर्मी हो या फिर आम जनता। और मोदी जी के गुलाबी नोटों की वजह से जहां लोगों के चेहरे लाल हो रहे हैं, वहीं फरीदाबाद की एक महिला ने कमाल कर दिखाया है। जी हां, आपको बता दे कि ये महिला उस वक्त तमाम बैंक कर्मियों और बैंक में मौजूद लोगों के चेहरे पर खुशी ले आई, जब खुद ये महिला 1,42,000 के खुले रुपए लेकर बैंक में जमा कराने पहुंची। बैंक का मैनेजर उस वक्त हैरान रह गया जब वो खुद लोगों को खुले पैसे देने में असमर्थ था। हैरानी की बात ये है कि इस महिला ने 2,000 के 38 नोट और 100 रुपए के 6,600 नोट बैंक में जमा करवाए। आपको बता दें कि ये महिला गांव में ही बेकरी की एक छोटी सी दुकान चलाती है और उनका मानना है कि उनके द्वारा जमा कराए गए पैसों से कुछ लोगों का तो काम चलेगा। 2,000 के 66,000 100 अपने खाते में जमा करवाए। छुट्टे पैसे के लिए पूरे देश में मारामारी हो रही है और आपने छुट्टे पैसे जमा करवाए, तो क्या कहना चाहेंगे? वैसे बैंक कर्मियों की सरदर्दी कम होगी इससे? हमारे पास सेल के पैसे थे, सेल के पैसे हमारे दूसरों की भलाई के लिए हमने ऐसा 1,42,000 रुपये जमा करवाए, जिसमें 38 नोट 2,000 के और 660 नोट 100 के। जी 66,000 जी। तो क्या पैसे से क्या करते हैं आप? बेकरी है सर हमारी, तो ये बेकरी पे सेल्स के पैसे हैं। सेल के पैसे ऐसा मोदी का सिस्टम जो चल रहा है उसी को हमने भी इकरार किया है और हम भी चाहते हैं कि आगे के लिए जो बैंक का जो सरकार का जो नियम है उस पर 0-0 चले, ताकि हम जो जो पैसे इकट्ठे हमारे पास जा रहे 0-0 बैंक में जाएंगे, जो टैक्स कटेगा सो उसके हम मालिक। इस महिला के कदम को सराहनीय बताते हुए बैंक मैनेजर पुनीत वर्मा ने महिला और उसके पति को उपहार देकर सम्मानित किया और इस पहल की प्रशंसा करते हुए लोगों से भी अपील की
कि इस महिला की तरह आप सभी भी बैंकों में खुले पैसों का लेन देन शुरू करें, ताकि खुले पैसों की किल्लत के समय बैंक कर्मियों को भी थोड़ी सी राहत मिले। ये हमारे कमलेश जी हैं, हमारे ग्राहक हैं, और उन्होंने अभी हमें 1,42,000 रुपए दिए हैं, जिनमें 2,000 के 76,000 हैं और 100 के 66,000 रुपए दिए हैं। हम उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं, हमने उनको धन्यवाद भी देंगे और मान सम्मान भी करेंगे। पहला ग्राहक ऐसा हमें मिला है जिन्होंने हमारी समस्या को समझा है, और हम चाहेंगे बैंक से भी हम उनको कोई उपहार के स्वरूप कुछ ना कुछ ऐसा दें। नोटबंदी के बाद ऐसा कदम उठाने वाली इस महिला ने वाकई लोगों को एक सीख दी है और आम जनता को बैंकों से खुले पैसों के लेन देन की प्रेरणा भी दी है। फरीदाबाद से अनिल जैन की रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। बात करते हैं हार्ट ऑफ एशिया की, जो कि शनिवार से गुरकी नगरी में हार्ट ऑफ एशिया का आगाज होने जा रहा है और कई देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे। दूसरी ओर गुरकी नगरी मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और पंजाब सरकार और स्थानीय प्रशासन के द्वारा सभी पुख्ता इंतजाम इसके लिए कर लिए गए हैं। गुरनगरी के इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है। 3 और 4 दिसंबर को अमृतसर में होने वाली हार्ट ऑफ एशिया का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल रेडिसन ब्लू में शुभारंभ करेंगे। कॉन्फ्रेंस में पड़ोसी देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर मंथन होगा, ताकि सुरक्षा खतरों से सहज ही निपटा जा सके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेशी मामलों के मीडिया सलाहकार इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। हार्ट ऑफ एशिया की मेजबानी करने के लिए गुरुनगरी पूरी तरह से तैयार है और एशिया देशों से आने वाले डेलीगेट्स एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में कोई कसर नहीं छूटे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पंजाब सरकार ने सभी सरकारी विभागों की ड्यूटियां लगा दी हैं। अमृतसर के डीसी बसंत गर्ग का कहना है कि अमृतसर के लिए खुशी का समय है कि अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया का शुभारंभ होगा, और साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के साथ व्यापार पर भी फर्क पड़ेगा और भारत के रिश्ते दूसरे देशों के साथ मजबूत होंगे। अमृतसर के लिए बहुत ही खुशी का ये समय है कि हार्ट ऑफ एशिया मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस अमृतसर में होने जा रही है। 40 देशों के शिष्टमंडल प्रतिनिधि यहाँ पे आएंगे और 2 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस 3 और 4 तारीख को अमृतसर में होगी। यहाँ पे जो आएंगे वो पंजाब के कल्चर के बारे में और अमृतसर के लोगों के बारे में एक अमिट छाप अपने मन में लेके जाएंगे। हमारी ये कोशिश है कि पंजाबी कल्चर के बारे में और अमृतसर के लोगों के बारे में वो एक ऐसा इम्प्रेशन यहाँ से लेके जाएं कि वो बार बार यहाँ आए और उनके देशों में से लोग भी यहाँ आए। इधर कॉन्फ्रेंस के आयोजन स्थल रेडिसन ब्लू की सुरक्षा के लिए 7 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है और यहाँ पर कैंप ऑफिस बनाया गया है। होटल से लेकर कचहरी चौक और एयरपोर्ट तक भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। रेडिसन ब्लू, ताज होटल, होटल हयात, होटल पार्क में विदेशी मेहमानों को ठहराने के लिए व्यवस्था की गई है। अमृतसर से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए सभी दलों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और सभी दल अपने अपने मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं और भाजपा अकाली दल सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी को बड़ी सफलता मानते हुए अपने विभिन्न मुद्दों के साथ जनता के बीच उतरी है, तो वहीं कांग्रेस भाजपा की नाकामियों को जनता के बीच उजागर करने का काम कर रही है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए काफी अहम है और यही कारण है कि सभी राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेता तक इन चुनावों में शामिल होते हैं। चंडीगढ़ में कुल 26 वार्ड हैं और लगभग 6 लाख के करीब मतदाता हैं। इस बार के चुनावों में भाजपा के 22, अकाली दल के 4, बीएसपी के 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और आजाद उम्मीदवार भी जनता के बीच अपनी बात लेकर आ रहे हैं। भाजपा नगर निगम में काफी लंबे समय के बाद अपना कब्जा जमाने में कामयाब रही थी और इस बार भी अपनी सत्ता कायम रखने के लिए भाजपा अकाली दल सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी को बड़ी सफलता मानते हुए इन मुद्दों के साथ जनता के बीच उतरी है। देखिए, नोटबंदी का जहां तक सवाल है, हर व्यक्ति को इस फैसले का कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ है और वो 95% इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव है। आपने देखा है कि जो चुनाव के अंदर, गुजरात के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर ये चुनाव के रिजल्ट जो आए हैं,
वो एक बड़ी पॉजिटिव साइन वो दिखाते हैं और मुझे लगता है कि ऐसा ही पॉजिटिव रिस्पांस हमें चंडीगढ़ में मिलने वाला। उधर कांग्रेस की बात करें तो नगर निगम पर काफी समय तक कांग्रेस की धाक रही, लेकिन जिस कदर वह पीछे छूटी वैसा दोबारा रिस्क ना लेते हुए पार्टी चुनावों में प्रतिष्ठित उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार रही है। इसके अलावा कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों जिनको टिकटें नहीं दी गई है, आज पार्टी उन्हें अपने लिए चुनौती के रूप में देख रही है, लेकिन भाजपा जिस तरह केंद्रीय उपलब्धियों को जनता के बीच रख रही है, कांग्रेस उस पर कटाक्ष करते हुए जनता की मुश्किलों को उठाते हुए मुद्दे के रूप में रख रही है। चंडीगढ़ में आप निकल के देखिए जगह जगह लोगों में कैसे हाहाकार मची हुई है, अपने पैसे के लिए लोगों की क्या हालत है, उनको इस पे खुशियां मनाने की जगह माफी मांगनी चाहिए उससे कि लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, सभी के लिए इतनी बड़ी उन्होंने दिक्कत पैदा कर दी कि अपना पैसा भी वो खुद ले ना पाए। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था, एक अपने आप में एक उदाहरण बन गया हिंदुस्तान कि आदमी बैंक में पैसा अपना जमा कराए और वापस नहीं मिलेगा, टेंशन दे रहे हैं लोगों को, पैसा नहीं उनका वापस दे। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के केंद्रीय नेता चुनाव प्रचार के लिए जुट चुके हैं, जिनमें भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रैली कर चुके हैं तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल पूरी चुनावी कैंपेन खुद संभाल रहे हैं और चुनाव प्रचार के लिए उतर रहे हैं, और साथ ही बीएसपी और आजाद उम्मीदवार भी स्थानीय मुद्दों के साथ जनता के बीच हैं। लेकिन इन सब में जनता कौन से मुद्दे और पार्टी को मौका देगी, उनके लिए चुनावी नतीजों का इंतजार करना होगा। चंडीगढ़ के नगर निगम चुनाव में